अंदाजे 10 वर्ष पहला वडोदरा पोलीसना जाप्तामांथी फरार थयेला ड्रग माफियाने होंगकोंगथी भारत लावामां सफलता मळी छे। वर्ष 2008 वडोदरा जिल्लाना माणेजा विस्तारमां अंदाजे 12 करोड़ एमडी ड्रग्सना जत्था साथे एनसीबीए रिचार्ड अने तेना बे सागरितनी धरपकड करी हती। परंतु वर्ष 2011 वडोदरानी एसएसजी होस्पिटलमां सारवार लई रहेलो रिचार्ड पोलीसने चकमो आपी नासी छूट्यो हतो अने सागरितोनी मददथी नेपाळथी केनेडा अने त्यांथी बोगस पासपोर्टना आधारे होंगकोंग पहोंच्यो हतो। परंतु होंगकोंगमां मनी लॉन्ड्रिंगना एक केसमां तेनी धरपकड करवामां आवी अने स्थानिक कोर्टे तेने 4 वर्षनी सजा फटकारी। जो कि आ दरमियान भारतीय विदेश मंत्रालय तरफथी तेना प्रत्यारोपण माटेना प्रयासो शुरू कर्या। होंगकोंगमां तेनी सजा पूर्ण थता त्यांनी कोर्टे तेने भारतने सौंपवानो आदेश कर्यो, जेना पगले वडोदरा क्राइम ब्रांचना 2 अधिकारी होंगकोंग पहोंच्या अने तेने परत वडोदरा लई आव्या। द्वारा वडोदरा बायपास पासे एक एमडी ड्रग्स नो केस करवामां आवेलो हतो, जेमां आशरे 12 करोड़ रूपियानो ड्रग्स पकड़वामां आवेलो हतो, जेमां झी झिंग फेंग नामनो आरोपी संडोवायेलो हतो, एनी साथे अन्य 2 आरोपी पण संडोवायेला हता। जे झी झिंग फेंग आरोपी छे ए वर्ष 2011 एसएसजी होस्पिटल खातेथी पोलीस कस्टडीमांथी फरार थई गयेलो हतो अने वडोदराथी सूरत अने सूरतथी नेपाळ, नेपाळथी ए केनेडानो पासपोर्ट फोटो बनावी अने होंगकोंग खाते पहोंची गयेलो हतो, ज्यां त्यांना इमिग्रेशन अधिकारीओए तेने पकड़ी पाडेल हतो अने पकड़्या बाद एना उपर त्यां कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवेली हती। ए पछी एना उपर त्यां मनी लॉन्ड्रिंग एक्टनो पण गुनो दाखल करवामां आवेलो हतो। सजा करवानो जे कंई अबाधित अधिकार छे ना माननीय कोर्ट न्यायालयने छे ए प्रमाणे एना विरुद्ध कार्यवाही करवामां आवशे। परंतु अत्यारे हालमां जे वडोदरा शहर पोलीसने लागे वळगे छे त्यां सुधी रावपुरामां जे कस्टडी जम करीने भागेलो हतो अने होंगकोंगथी अमे एने प्रत्यार्पणથી લાવેલા છીએ એ સંબંધિત કાર્યવાહી ખૂબ જ મજબૂતાઈથી અને પુરાવા આધારિત કરવામાં આવશે।